दो रोटी कम खाएंगे भलू का स्कूल जाना कभी नहीं भूलेंगे। एकदम गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी सुबह सुबह, आज फ्राइडे का दिन था तो सुबह सुबह ही नहा लिया और अभी नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ते में देख लीजिए क्या है, रोटी और सब्जी। जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस अभी थोड़ा फूलों में पानी दे देता हूँ, नहीं बहुत धीरे धीरे आ रहा है लेकिन लगा देते हैं, धीरे धीरे भर ही जाएगा। ऐसे फूलों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, हरियाली पसंद है, हरा भरा रहे ना नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। रंग बिरंगे फूल ऐसे देख लीजिए कितना, मेरा जो बाउंड्री के अंदर है बहुत सारे फूल इधर लगे हुए हैं एक से एक। तो इसको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होती है, और तो कुछ खाना हम लोग दे नहीं सकते हैं लेकिन पानी देना जरूरी है। छोटे छोटे भी धनिया पत्ते भी उग गए हैं, तो कुछ दिन पहले धनिया पत्ते लगाया हुआ था तो ऐसे अभी छोटे बड़े छोटे हुए हैं, कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे। अभी पानी वानी इसमें जाएगा ना तो ये भी बड़े हो जाएंगे कुछ दिनों में। इन पर पानी डालने से देखो जो सारे धूल गंदा बैठे हैं तो सारे छूट जाते हैं, तो उसके बाद ये कितना हरा भरा दिखने लगेगा। तो ऐसे अभी हल्का हल्का मार देना चाहिए, सही रहता है क्योंकि इनको भी नहाना जरूरी है जैसे हम नहाते हैं। तो पेड़ पौधों को भी नहाना, उनका सारे तो धूल गर्दी गंदे होते हैं क्योंकि वो पत्तों से ही सांस लेते हैं ना सारे। तो गाइस आज लंच में है चिकन और साथ में पुलाव है, सोना है। लेग पीस कर लेके निकल गया, बाहर हो गया है। सलाद नहीं बनाई तो जल्द से जल्द खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हाँ डी के बाद फिर बी ना ई ई उसके बाद डब्ल्यू। अच्छा डब्ल्यू फिर एक्स एक्स हाँ वाई हाँ जे जेड जे। हो गया खत्म। और उधर एक देख लीजिए स्टार आ गया है नीतीश कुमार, तो तुम भी कुछ सुना दो। इधर है छोटा स्टार, इधर बड़ा स्टार है। देखिए जो छोटा स्टार है बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ और नीतीश स्कूल से आ गया। हाँ स्कूल से आया, तो देख लीजिए अभी स्कूल का लाइफ में इतना ज़्यादा तरक्की कर लिया है नीतीश, तो और आगे क्या प्लानिंग है? आगे प्लानिंग यही है तो स्कूल कर लेंगे, इसके बाद तो फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। यूट्यूब चैनल तो यूट्यूब में तो तुम फेमस है। फेमस है बोलो, और आगे जाके फेमस होना है। और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेगा ना, दोनों चलेगा। जैसे में देखिए हमको कोई आज तक नहीं जानता था हम स्कूल जाते हैं। इधर आओ धूप में आओ थोड़ा। जैसे में तो हमको कोई नहीं जानता था हम स्कूल जाते हैं। अच्छा तो जब हम स्कूल जाने लगे जो देखता रास्ते में पहले 10 बार तो पूछता है क्या तुम पढ़बो करता है। तो बात तो सही है, तो तुम्हारा जैसा तुम फेमस हो गया है ना, पब्लिक तुमको खोज रहा है। वही सब बोलता है तो तुम स्कूल भी जाता है, हमको ना ही मालूम, हमको तो लगता है तुम काम करता है। ठीक है काम अलग जगह है, काम अलग जगह है, पढ़ाई अलग जगह है। समझा? समझ रहा ना तुम, काम अलग जगह पढ़ाई अलग जगह। पढ़ेगा ना? हाँ नहीं पकड़ेगा तो बच्चा से पकड़वा, बच्चा पकड़ने लाया था। हाँ तो प्रियांश भी बोल दिया कि पढ़ेंगे, नहीं पकड़ेगा पढ़ेगा तो तुमको पकड़वा देना है टोकरी में ले जाएगा। ठीक है पढ़ेगा ना? ठीक है तो जा नीतीश, फ्रेश व्रेश हो क्या? दो रोटी कम खाएंगे भलू का स्कूल जाना कभी नहीं भूलेंगे। एकदम तो गाइस शाम का टाइम हो गया है और हम लोग मार्केट जा रहे हैं, और नीतीश टाटा बाय बाय कर दो, तो चलते हैं। दिन भर तो बाकी जो कि आप लोगों को दिखाया ही, और वैसा कुछ खास आज का दिन था नहीं, और आकाश भी दुर्गापुर चला गया है तो कुछ करने को भी हम लोग को कुछ मिला नहीं, क्योंकि एक भी दोस्त अगर चला जाता है ना दिन भर मन नहीं लगता है। तो मार्केट में दिखाते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे तो मार्केट रोज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं। राहुल हम लोग मार्केट जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, देख लीजिए कितना पूरा खाई जैसा रास्ता है, घाटी है, छोटा मोटा घाटी ये भी है, पतरातु वाला से भी ज़्यादा सुंदर है ये वाला। कोई भी घाटी में यहाँ चला लेगा तो चला लेगा, क्योंकि अंधा मोड़ है, आगे से कोई ना आ जाता है पता भी नहीं चलता है। और यहाँ जड़ देख लीजिए कैसा है। हम लोग पहुँच गए हैं दुर्गा मंडप, यही दुर्गा मंडप आप लोगों को हम पूरा दुर्गा पूजा दिखाए थे। ये सब आप लोगों को सामने जो दिख रहा होगा इधर ग्लास फैक्ट्री का सब पुराना कॉलोनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा ग्लास फैक्ट्री का कॉलोनी वलोनी भी दिखाओ, तो ऐसा कुछ इधर का कॉलोनी हो गया, सुनसान पड़ गया है। एक टाइम इधर जो ग्लास फैक्ट्री का GMM होता था सबका रूम इधर ही रहता था, ग्लास फैक्ट्री का 48 फीट जिसे दुतल्ला क्वार्टर भी बोलते हैं, तो एक टाइम बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करता था ना जोनी, हम लोग घूमने उतना दूर से आते थे।
और अब देखते कैसा वीरान दिख रहा है, सुनसान लग रहा ढहने का कगार पर, लेकिन अभी भी सब घर में रह रहा आदमी लोग। बस है, बस बस जिंदा है, और यहाँ से फोर लाइन पे मेन रोड हाईवे पे निकल गया। गाइस हम लोग बुरकुंडा के इकलौते जो पीछे सांवरिया मॉल है, इकलौता बुरकुंडा का मॉल है, वहाँ से कुछ शॉपिंग भी कर लिए हैं। जॉनी को कुछ बर्थडे पार्टी में भी जाना था, तो जो भी शॉपिंग हुआ आप इसके ब्लॉग में, जॉनी के ब्लॉग में देख सकते हैं। जल इज बैक। अभी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी हम लोग मार्केट घूम के आ गए हैं और अब आग जलाने का व्यवस्था हो रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए, सबसे तो बड़ा भारी मुश्किल होता है लकड़ी जमा करना। जॉनी अपना मजबूती का फायदा उठा रहा, तोड़ दे रहा एक झटका में दो टुकड़ा। ऊपर जो नीम है ना, नीम का पेड़ भी हम लोग को बहुत मदद करता है, लकड़ी रोज दे देता है। तो फाइनली आग जाके जल गया है, तो अब आग इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको रात में डायरेक्ट मिलते हैं। तो गाइस अभी रात के 10 बज रहे हैं, खाना कंप्लीट हो गया है और अब बस जस्ट थोड़ी देर में वीडियो एडिट करके सोने वाला हूँ। ठंडी आज थोड़ी ज़्यादा है इसलिए पूरा टोपी भी लगाया है और पूरा कमर में ओढ़ के बैठा हूँ। तो फाइनली भी इस वीडियो को ये भी खत्म करते, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप इंजॉइंग लाइफ। टाटा बाय बाय, थैंक यू।